ब्याज दरें रोक दे, फेड कहे कि नहीं अच्छा एक इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, सिस्टमिक रिस्क हो सकता है, क्या हम रोक दें? इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए शायद SVB में अभी हमको उतना बड़ा कंसर्न ना दिखे, लेकिन हमको वो ज़्यादा बड़ा कंसर्न दिख रहा है कि फेड की तरफ से क्लियर इंडिकेशन है कि हम खूब ब्याज दर बढ़ाएंगे, कब तक बढ़ाते रहेंगे उनको खुद नहीं पता, डेटा बैक्ड है, और उसका असर फिर हमारे बाजारों पे आएगा। देखिए कोई कुछ भी कह ले, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि US में 6% ब्याज दर होंगी और आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डिफरेंशियल 2% लगे तो 8% तो आपके यहाँ तो रेपो हो जाएगा, तो 10, 11, 12, 13% पे मुझे नहीं लगता कि बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन होगी। तो ऊपर से ये एक नया सरदर्द है। अब इस परिस्थिति में अपने बाजार को आप एनालाइज करिए सर। तो नीर भाई बिल्कुल सही बात है कि हम लोग इससे इतना इंसुलेटेड बहुत समय तक रह भी नहीं सकते। अगर ये क्राइसिस स्नोबॉल होता है नहीं, और विस्तार से फैलता है और सरकार वहां पे कुछ करेगी ये भी नहीं है, क्योंकि ये एक एक बहुत ही प्राइवेट सेक्टर के उसमें दायरे में है कि बैंक अपने आप चलती है, अपने हिसाब से बैलेंस शीट रिस्क मैनेज करती है, तो वहां पे मुझे नहीं लगता सरकार इसको बेल आउट करने की कोई चेष्टा अभी तो करेगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स का जो मूवमेंट है, जो बढ़ोतरी जो हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स में, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक जगह स्टेबलाइज होती है, या घटना ना भी शुरू हो लेकिन जिसको पिवट कहते हैं, वहां पिवटिंग का भी आपको असर दिखने लगे, तो लोग एक एक रिस्क को समय के उससे एक समय के टाइमलाइन के हिसाब से, समय सीमा के हिसाब से आकलन उसका कर सकते हैं कि भाई हाँ अभी एक 2 महीने और खराब जा सकते हैं या टफ जा सकते हैं। और हमारे यहाँ पे इसका असर नेगेटिव इसलिए होना बहुत आसान है क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, FIs का जो फ्लो है वो आउटफ्लो इतना बढ़ता जा रहा है, और अगर वो इनफ्लो नहीं हो बनता है, जिस हिसाब से 2-3 दिन हमने कुछ इनफ्लो देखे, कुछ ब्लॉक डील्स की वजह से हुआ है, जिस वजह से हो, अगर वो वापस बड़ी तादाद में पैसे लेके जाते हैं तो सेलिंग प्रेशर रहेगा, और मनी सप्लाई एंड ऑफ द डे मनी सप्लाई जो ग्लोबल है उसका असर आपको भी पड़ता ही पड़ता है। तो हमारी कंपनीज जिस हिसाब से बाहर के प्रोजेक्ट्स करने की क्षमता रखती है, तो वो रिसेशन आ जाएगा तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे, तो असर तो बहुत गहरा पड़ सकता है। इनफैक्ट इमीडिएट शायद ना हो लेकिन लेट हो, लेकिन बहुत गहरा हो सकता है। सो कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन निकलना जरूरी इसलिए भी हो जाता है, और इसको अगर ये जरूरी सोल्यूशन नहीं निकलता है बहुत जल्द, आपको अगर दिखता नहीं है, तो नीरज भाई इसमें सबसे बड़ा टेंशन जो मुझे लग रहा है वो ये है कि मार्केट इतना ग्रेजुअली ड्रिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि कारण क्या है। इनफैक्ट ये SVB की भी खबर है, मैं तो आश्चर्य कर रहा था कि आपने इसको उठाया, इस मुद्दे को, बाकी कहीं इसकी चर्चा ही नहीं हो रही, जबकि ये इतना बड़ा एक्सीडेंट माना जा रहा है US में, तो कोई खबर नहीं है। और उनके ग्रेग बेकर जो उनके CEO है SVB हाँ फाइनेंशियल ग्रुप के, उनके जो 10 मिनट का कॉल भी मैंने सुना, काफी मुश्किल से मिला मुझे उसकी रिकॉर्डिंग, तो वो सुनने के बाद ये लगा कि वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और सपोर्ट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 40 साल तक आपने हमको सपोर्ट किया है तो सपोर्ट कीजिए, तो उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है, तो परिस्थिति थोड़ी गंभीर जरूर है।